अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं, राजनीति के लोग, कि जो प्रधानमंत्री का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर आता है, जो गठबंधन हुआ है 37 और 38 का, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें लेकर आएगा ये मजबूत गठबंधन? देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें जी, ठीक है, मैं तो कहूँगा 80 ले जाएगी जी, 80 से 79 नहीं होंगे जी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल आधार पर बात करें जी, तो 70 से 75 हम ले जाएंगे जी, 75 के आसपास आनी चाहिए जी। दूसरी बात, ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति, मुझसे एक सवाल पूछा था किसी ने कि भाई कभी बहन जी जो है वो दिल्ली नहीं आ पाएंगे जी, तुम कुछ भी कर लो जी, बहन जी दिल्ली नहीं आ पाएंगी जी। मैंने कहा तुमने सही कहा जी, हो सकता बहन जी दिल्ली ना पाए जी, लेकिन दिल्ली को यूपी ले जा सकती है ठीक, हो सकता वो राजनीति में बैठ के कि दिल्ली में हो सकता है कि बहन जी को ये लोग कहें कि पीएम नहीं बनेगी, पार्लियामेंट नहीं जाएगी, और आज बहन जी पार्लियामेंट की सदस्य भी नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली देख, पूरी दिल्ली का पूरा भारत अगर देख रहा था आज बहन जी की तरफ देख रहा है जी, पूरे भारत के हर कोने में अगर नजर है तो यूपी की तरफ है, और कहीं नजर नहीं है। जब गठबंधन की बात होती है, सपा बसपा गठबंधन की बात होती है, तो पूरा भारत अगर आज आज ये एक बात देखिए कि आप गठबंधन के नाम पर सिर्फ सपा बसपा की बात क्यों करते हैं लोग जी, दूसरी पार्टी आप भी तो 18-19 एनडीए जो घटक है, आपने भी तो इतने लोगों के साथ में मिलकर ये सरकार बनाई, तो जो सीटों की बात है 70 से 75 सीटें गठबंधन की हम उम्मीद करते हैं कि आनी चाहिए, आनी चाहिए जी। आज पूरे देश की नजर जो है वो बहन कुमारी मायावती के ऊपर लगी हुई है, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे विदेश हो, कहीं भी हो, वो सारी बहन जी के ऊपर काफ़ी सभी की नज़र लगी हुई है। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, अगर बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आज तक 70 साल में नहीं हो पाए हैं, वो बताएं। देखिए, जो एक देश की नज़रें बहन जी की तरफ लग रही है जी, यह सवाल देश का नहीं है जी। बहन जी हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन वो पूरे विश्व के सबसे बड़े एक गरीब वंचित समाज तबके की लीडर है जी। पूरी दुनिया उन्हें ये देख रही है कि क्या इस वंचित समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा जी। पूरे समाज के लोग आज की पूरी दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया के लोग कि क्या भारत की ओबामा बहन जी बनेंगी जी। जब बहन जी को विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया जाता है, तो ये तो बात करते हैं राजनीति की कि भाई भारत में पीएम बन जाए, पूरे पूरी दुनिया की नजरें, पूरी दुनिया के वंचित तबके की नजरें, पूरी दुनिया के हर मानववादी व्यक्ति की नजरें आज बहन जी पर है कि हो सकता है कि ये भारत की ओबामा बने जी। और भारत की ओबामा वो बनेंगी, तो बहन जी जो है वो सत्ता में आएंगी, और सत्ता परिवर्तन जो होगा, अब जो सत्ता परिवर्तन होगा वो किसी के विरोध के लिए नहीं होगा, मानवता के लिए होगा। हर आदमी जो गिरा हुआ है, जो दलित है, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए होगा। और जो आपका सवाल था जी, कि क्या काम करेंगी 70 साल जी, ये मेरे व्यक्तिगत राय, हो सकता मैं अलग बोलता हूँ, कुछ काम नहीं करेंगी बहन जी जी। बहन जी संविधान को लागू करेंगी जी, क्योंकि हमारी पार्टी का कोई राष्ट्रीय घोषणा पत्र नहीं है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम लागू करेंगे, हम लागू करेंगे भारत के अधिकारों को लागू करेंगे, भारत के हर व्यक्ति को बिना जाति, बिना धर्म, बिना कास्ट, बिना भाषा, बिना क्षेत्र के आधार पर दिए हुए, आप हमारे ऊपर चाहे जितना मर्जी अत्याचार कर लो, हम नहीं करेंगे। हम बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बहन जी जब आएंगी तो संविधान के जो प्रावधान है बहन जी उन्हें लागू करवाएंगी, उनके लिए कोई विशेष, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी विशेष प्रायोरिटी किसी भी समाज को नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब समाज में हर व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तो हमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी विशेष प्रावधान बनाने की कोई जरूरत नहीं है जी। आप थे हमारे साथ एडवोकेट सत्य प्रकाश, जिन्होंने कहा कि अगर संविधान को पूर्ण रूप से पारित कर दिया जाता है या उसको लागू कर दिया जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संविधान जो लिखा गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, और उन्होंने सब जन सब हिताय को लेकर लिखा हुआ है, सभी धर्मों को लेकर लिखा है, उसमें सबकी बराबरी है। तो बहन कुमारी मायावती अगर 2019 के अंदर प्रधानमंत्री बनती हैं, तो संविधान को बहुत अच्छे से पारित कर दिया जाएगा। हमारे स्टूडियो में आए आप हमारे देश के, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और हमारे इस वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एसएम न्यूज रात और दिन काम कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना लाड़ प्यार हमारे चैनल को देते हैं और निरंतर आपकी आशीर्वाद हमें मिलता जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी श्रोताओं को। जय भीम, नमस्कार।